हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू। आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन परफेक्ट है 100%। आप लिख के रख लीजिए कि ये क्वेश्चन इस बार एग्जामिनेशन में 100% आएगा पाइथागोरस थ्योरम, वो भी आपको 4 मार्क्स देकर जाएगा बेटा। तो आइए आज हम लोग प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आई विल नो अबाउट दिस इन प्रीवियस क्लास, आपने पढ़ा होगा इसको। क्लास 7th में ही आपको एनसीईआरटी बुक में मिलता है पाइथागोरस थ्योरम, बट वहां पे आप केवल स्टेटमेंट जानते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसी थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करेंगे, आपको बताएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम जनरली सबको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब हमको पहले तो ये जानना पड़ेगा भाई हाइपोटेन्यूज होता क्या है। हाइपोटेन्यूज अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। वो इक्वल होता है जो अदर टू साइड होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है बेटा। तो आइए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका एक फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो फिगर आपका इस टाइप से होगा, समथिंग ऐसे आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह से आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके क्वेश्चन बड़ी जल्दी से सॉल्व होते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट आर ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है, हमें यहाँ पे ये इस एंगल को 90 डिग्री शो करना पड़ेगा। क्लियर सी बात है, यही है आपका राइट एंगल। यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको क्या करना है बेटा, टू प्रूफ पे हम लोग ध्यान देंगे। प्रूफ हमको करना है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, एंड स्क्वायर क्या है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, एंगल ए है, इसका अपोजिट साइड क्या है, बीसी है। सो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, एंड अदर टू साइड्स आपके ए बी एंड ए सी हैं। सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे वन मोर थिंग है, कंस्ट्रक्शन आपको एक छोटा सा करना पड़ता है जो कि आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ए के थ्रू एक बी सी पर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे जो कि होगा मेरा ए डी। ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, 100% बेटा गारंटी लेता हूं। मैंने आज तक जितनी भी गारंटी ली है वो क्वेश्चन परफेक्ट है, आते ही हैं। तो ये मैं कह रहा हूं आपको, इस चैप्टर से ट्रायंगल चैप्टर से दो ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका आता है पाइथागोरस थ्योरम, एक बीपीडी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आर्थेस थ्योरम उसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन आता है। अदरवाइज ये लिख के रख लो, दो में से एक जरूर आएगा। मैं तो कहता हूँ यही आएगा तो आएगा ही। ये आप परफेक्ट रहिए कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। कंस्ट्रक्शन आपका ये हो गया भाई। अब आइए कैसे सॉल्व करते हैं। आपने सिमिलरिटी सॉल्व करना सीखा होगा भाई, सिमिलर ट्रायंगल सॉल्व करना तो सीखा ही होगा। तो उसमें हम देखते हैं बेसिक कैसे है। यहाँ पे ये एंगल आप देखिए बी, यहाँ पे आपके पास कितने ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कितने ट्रायंगल्स हैं। आपके पास 3 ट्रायंगल्स है, एक तो है एबीसी ट्रायंगल, एंड वन मोर थिंग्स एबीडी एंड एसीडी, देयर आर 3 ट्रायंगल्स। आपके पास कितने ट्रायंगल्स है बेटा, 3 ट्रायंगल्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेन ट्रायंगल है उसको हम ये जो छोटे छोटे टू ट्रायंगल्स है ना इनके साथ सिमिलर प्रूव कर देते हैं। वन टाइम हम एबीडी एंड एबीसी को सिमिलर प्रूव करेंगे, एंड सेकेंड टाइम एसीडी एंड एबीसी को सिमिलर प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं सिमिलर। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रूफ पर आते हैं, प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीडी एन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे तो आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, बट सिमिलर होने पर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग ही नेम लिखा जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है। यहाँ पे आपके पास एंगल बी दोनों में है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे आप रीजन देंगे कॉमन भाई, आपका यहाँ पे एंगल बी जब आप ए बी डी बोलते हो दिस टाइम बी, एंड ए बी सी दिस टाइम बी, सो एंगल बी इज कॉमन। नेक्स्ट एंगल आपका जो एबीडी में देखते हैं तो ये आपका राइट एंगल है, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस बड़े एंगल के, एंगल बी ए सी। ये क्या है, एवरी 90 डिग्री है बेटा। आपने क्राइटेरिया पढ़ी होगी सिमिलरिटी की, एंगल एंगल क्राइटेरिया, किसी वन ट्रायंगल में टू एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के टू करस्पोंडिंग एंगल के अगर इक्वल होते हैं तो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो देयरफॉर यूजिंग दैट थ्योरम,
So triangle ABD similar to triangle ABC. राइट नो बेटा, यहां पे ही सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं। ये देखिए ये राइट क्या होगा, ये हम राइट करने का तरीका कैसे सीखते हैं वो देखते हैं। इसके एंगल्स के अकॉर्डिंग हम नेम राइट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बी, बी के साथ डी। अब देखिए इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल बचा है, आपने बी भी राइट कर दिया डी, अब कौन सा बचा ए। ये आपका सिमिलर होगा, ये किसके सिमिलर होगा आपका, ये सिमिलर होगा बेटा, ये सिमिलर होगा यहां से देखते हैं बी ए सी के। कौन सी क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये स्टार्टर में लिख दिया मैंने एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आपने वन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लिया दूसरे के, वो कौन सा है, एक छोटा वाला ट्रायंगल है। अब यहां पे आप नेम चेंज करेंगे, क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि बी बी के इक्वल है, डी ए के इक्वल है एंड ए सी के इक्वल है। करस्पोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग ही ट्रायंगल के नेम राइट करेंगे, अदरवाइज 100% आपका नंबर माइनस हो जाएगा, आपका नंबर कट हो जाएगा, वो सही रूल नहीं है। सही रूल ये है बेटा, चलिए जब टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पोंडिंग साइड्स जो होते हैं उनका रेशियो क्या होता है, इन द सेम रेशियो में होते हैं ना, उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। सो यहाँ पर भी इक्वल होगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे साइड का रेशियो निकालें, भाई यहाँ पे तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहीं से सब कुछ कर मिलेगा। देखिए कैसे, ये आपका बी डी अपॉन बी ए, ये इक्वल किसके होगा, देखिए इसका फर्स्ट सेकेंड, इसका फर्स्ट सेकेंड, फिर इसका सेकेंड थर्ड डी ए ए सी सिंगलर। अब क्या होगा भाई, फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड थर्ड हो गया, अब क्या होगा फर्स्ट एंड थर्ड होगा, तो वो क्या है बी ए या ए बी भी हो सकते हो, चलिए बी ए राइट कर देते हैं अपॉन बी सी। ये इस तीनों में से, इन तीनों में से हम देखेंगे कौन ऐसे हैं जो दो में कॉमन है, जैसे ये देख रहे हो ना फर्स्ट एंड ये लास्ट वाला है, तो तीनों आपस में इक्वल, बट हम इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है ना वो यहीं से मिलेगा। अब यहां पर नेम इसको सही से लिखेंगे ए बी लिखेंगे भाई, ओके यहां पर भी इसको ए बी अपॉन बी सी, ओके। अब यहां पर हम क्या करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर। अब एकदम प्रूविंग के नजदीक है, अब आप प्रूविंग फाइनल करने वाले हैं, जो आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या करेंगे। हमने इस छोटे से ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दिया, वैसे ही हम इस छोटे से ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर कैसे दिखाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एडीसी, देखिए यहां पे स्टार्टिंग में आप नेम वही राइट कर सकते हो जो क्वेश्चन में, जो फिगर में आपको दिख रहा है। जब आप सिमिलर दिखाओगे ना तब आप उसके एंगल के अकॉर्डिंग राइट करोगे, अदरवाइज रॉन्ग होगा। अब आगे देखते हैं एडीसी में, भाई दोनों में भाई एसी कॉमन है भाई, बट देखो सी तो कॉमन है, ये देख लो सी जो है इसमें भी आता है और इस वहां से बड़े वाले में भी आता है, ये हो गया दूसरा टॉपिक। ये राइट एंगल है नहीं, जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया स्ट्रेट लाइन पे वन एंगल 90 तो सेकंड भी 90, इसका नेम क्या है एडीसी, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल कौन सा बड़े वाले का सी ए बी। भाई अभी तो आप कह रहे हो सर अभी तो आपने बी ए सी लिखा, भाई बी ए सी लिखो सी ए बी लिखो, ए मत लिख देना क्योंकि एक बार ये भी एंगल है ये भी एंगल है गलत हो जाएगा, ओके ये भी कैसे, ये तो भाई आपका कॉमन रीजन देना पड़ता है बेटा, ये यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम फंडामेंटल है एवरी 90 डिग्री राइट कर दिया। थोड़ा सा इस वीडियो में वीडियो लॉन्ग हो रहा होगा, तो यहां पे देखते हैं बेटा क्या करेंगे, अब नेम लिखते हैं कैसे, नेम लिखेंगे सी यहाँ पे डी, अब कौन सा बच रहा है ए बच रहा है, इज सिमिलर टू, भाई सिमिलर का साइन थोड़ा सा ऐसा बनता है, इज सिमिलर टू किसके सिमिलर है सी ए एंड बी के बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बेटा ये लिखना मत भूलिएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। पॉइंट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे आर साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो उनके साइड्स भी जो होते हैं ना वो सेम रेशियो में होते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको सी डी। हाँ तो ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, यहाँ पर भी रीजन देते हैं बाई सी पी एस टी। अब कहोगे ये क्या है भाई सी पी एस टी क्या, अब नाइन्थ में खूब पढ़ा है सी पी, अब यहाँ पे क्या सी पी एस टी, तो करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये यहाँ पे भी वही चीज करेंगे अभी सी डी अपॉन
सी ए कहो या ए सी कहो, डी ए कहो या ए डी कहो, ये ए बी हो गया, ये आपका ए सी हो गया, और ये आपका क्या हो गया भाई, इक्वल है, ये आपका हो गया कहां थे हम, ये बी सी हो गया। यहां पर भी आप लिख देंगे बाई सी पी एस टी करस्पोंडिंग ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए जो दो में कॉमन हो, ये देखिए फर्स्ट और लास्ट देख रहे हो ना, ये कॉमन है, इसको ले लेते हैं, सी डी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, इक्वेशन नंबर सेवन। यहां तक करने के बाद आपको दो क्वेश्चन मिलता है, एक तो आपके एग्जाम में एग्जाम्पल में भी है आपके एनसीईआरटी में, ए डी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी प्रूव करो, अदरवाइज ये जो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है ये करते हैं, कर लेंगे कि आप ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू सी डी। देखिए लेफ्ट साइड जो आपको जो प्रूव करना था, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर वही आपका राइट है, और राइट साइड में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देखिए दोनों में बी सी आपका कॉमन है, ले लीजिए, क्या बच रहा है बी डी प्लस सी डी बचता है आपका, फिर ये आपका हो जाएगा बी सी इंटू बी सी, बी सी इंटू बी सी क्या हो जाता है बी सी स्क्वायर हो जाता है, सेम वैसे ही लेकर आए हम, यहां पर हैंस कर देंगे, हैंस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बेटा यही आपको प्रूव करना था, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम था। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आगे भी शेयर करिए, आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते रहेंगे, थैंक यू।